तो देखिए NISA एग्जाम की मतलब सीरीज में एक फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए मेरी ये कोशिश है, और आपको मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की थर्ड क्लास में आपको देकर चल रहा हूँ। देखिए हमारी जो थर्ड क्लास है, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड्स को समझना शुरू करते हो, उनकी वर्किंग को समझना शुरू करते हो, तो आप अपने फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हो। अब इसके अंदर जो मैं आज की क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा बिल्कुल एग्जैक्टली, आप म्यूचुअल फंड के साथ में म्यूचुअल फंड होते क्या, उनको आप किस तरीके से ट्रीट करके चलते हो, उनकी क्या नेसेसिटी है। तो देखो सबसे पहली चीज जो हम समझ के चलते हैं वो हमारे पास में सिट, इसको कहते हैं स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहलाता है आपके पास, ये है आपका स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि स्कीम को इन्फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। तो स्कीम के इन्फॉर्मेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है, इसमें लगभग स्कीम के बारे में सारी ही नॉलेज होती है, कि मतलब कि इसका मैनेजर कौन है, क्योंकि आप कभी भी किसी स्कीम की तरफ जाते हैं तो इस स्कीम को लॉन्च किसने किया, इस स्कीम को के अंदर जो फंड्स आएंगे उन फंड्स का साइज क्या होगा तकरीबन, और उसको मैनेज कौन करेगा, मतलब स्कीम का जो मैनेजर है वो मैनेजर कौन है। इसके अलावा ये जो स्कीम है वो प्राइमरी जो पैसा मतलब कलेक्ट कर कर चल रही है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या एक्वायर करना है, मतलब आप ये पैसा कहाँ लगा कर चलोगे, मतलब स्कीम पैसा कहाँ लगा कर चलेगी। लोगों को ये बताना चाहिए कि ये जो पैसा वो इन्वेस्ट कर कर चल रहे हैं, इस पैसे के इस पूल से क्या परचेज किया जाने वाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिट के अंदर मिलती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब कभी भी कोई स्कीम को मूव कर बनाया जाता है, तो किसी भी स्कीम को बनाते समय पर जरूरत पड़ती है पैसे की। अब इस पैसे के एक ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब लोग आते हैं, और लोग आकर अपना पैसा देते हैं। अब ये जो पैसा आता है, इस पैसे के बदले में लोगों को क्या मिलता है। तो देखिए होगा ये कि एक एग्जाम्पल की तरह लेके चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपने एक फ्लैट में रहना था, और आपने उस फ्लैट को अकेले खुद बना नहीं सकते थे, तो कई लोग आपस में मिले और एक सोसाइटी डेवलप की गई। उस सोसाइटी के अंदर आपकी क्या है, एक फ्लैट है, तो वो फ्लैट क्या है, वो फ्लैट पूरी बिल्डिंग की एक यूनिट है। तो जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी म्यूचुअल फंड के अंदर जाते हो, तो आप पूल के अंदर अपना एक हिस्सा जमा करते हो, मतलब पूल के अंदर आपका एक शेयर है। इस पूल के अंदर आपका जो शेयर है, उस शेयर के रिस्पेक्ट में आपको एक चीज दी गई, वो चीज क्या है, देखिए उस चीज का नाम है यूनिट। अब देखिए इसको समझिएगा कि उस चीज का नाम क्या है, यूनिट है। अब मैं इसको समझा के चलता हूँ कि देखो हर यूनिट मतलब हर बंदे ने जिसने जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उसकी उतनी ज्यादा यूनिट्स होंगी, और जिसने जितने कम पैसे इन्वेस्ट किए होंगे उसकी उतनी कम यूनिट्स होंगी। तो बेसिकली क्या है, यूनिट अपने आप में एक ऐसा साइजेबल अमाउंट होगा जो लगभग सबके लिए एक जैसा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्संस, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स उतनी ज्यादा यूनिट्स, मतलब ये नहीं कि इस यूनिट की वैल्यू उतनी ज्यादा, यूनिट की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, और ये जो यूनिट है आपका, इस यूनिट की वैल्यू सेम है। बस क्या है कि इस यूनिट के मतलब रेट्स में उतार चढ़ाव समय के साथ आएगा। एक समय पर इस यूनिट को खरीदने वाले लोगों को ये यूनिट सेम ही रेट पर अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब जैसे कि एक स्टॉक को आपने परचेज करा जिसका भाव चल रहा है 540, तो 540 रुपए पर जितने लोगों ने इस स्टॉक को परचेज करा, उन सबके पास वो स्टॉक 540 पर आया। जिस समय पर इस स्टॉक का भाव रहा होगा 538, तो ये स्टॉक 538 पर आएगा, और जिस समय पर ये इसका भाव रहा होगा 545, मतलब 545, उस समय पर ये स्टॉक को परचेज करते समय पर इसकी वैल्यू 545 रहेगी, और ये अपने आप में एक यूनिट के प्राइस को रिप्रेजेंट करके चल रहा है। तो इससे चीज निकल कर आती है आपके पास में कि किस ये जो आपका एसेट है, इसकी नेट वैल्यू अभी इस समय पर कितनी चल रही है। मतलब देखो यूनिट आपके पास, नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी फिक्स हो गई, ये जो एनएवी है, ये एनएवी क्या होती है आपके पास में, ये वैरी करती है, और ये बता के क्या चलती है, ये है आपके पास में नेट एसेट की वैल्यू। अब मैं इसको समझाऊंगा आपको, ये नेट एसेट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनमें दोनों में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, यूनिट का मतलब क्या और एनएवी का मतलब क्या है, लॉजिक समझ के चलिएगा। देखो यार ये नेट एसेट वैल्यू क्या बता के चलती है कि भाई आपके पास में टोटल कितने एसेट्स हैं, भाई आपके पास में टोटल एसेट की क्या वैल्यू है, और इस वैल्यू को आपने कितनी यूनिट्स के अंदर, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने आपसे कहा कि लिमिटेड होती हैं, इन यूनिट्स की वैल्यू वेरी कर दी है। तो यूनिट्स आपकी फिक्स है और वेरी क्या करती है वैल्यू, तो इसको आपने नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ में डिवाइड कर दिया, तो नेट एसेट वैल्यू निकल कर आती है, जिसको ये वेरी करती है, और ये आपके पास में जितनी एसेट की डिमांड होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने इस फ्लैट को परचेज करा तब जब जिस समय पर ये स्कीम लॉन्च हुई थी, अब आपके ये जो फ्लैट की वैल्यूज हैं ये वेरी करेंगी, डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर कि कितनी ज्यादा डिमांड इसकी है, कितने ज्यादा लोग इसको खरीदने के इच्छुक हैं। तो ये आपके पास में नेट एसेट वैल्यू एनएवी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसका मतलब है कि टोटल एसेट की अब क्या कीमत है, मतलब पूरी बिल्डिंग की।
इस समय पर या पूरी सोसाइटी की इस समय पर क्या कीमत चल रही है, मतलब जमीन की क्या कीमत चल रही है, हर टोटल वैल्यू क्या चल रही है, और उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया गया, इससे निकल कर आया कि लगभग हर यूनिट की क्या वैल्यू रही होगी। तो टोटल एसेट वैल्यू को जब आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हो तो निकल कर आती है नेट एसेट वैल्यू। तो आप क्या परचेज करते हो, आप यूनिट परचेज करते हो। आपको म्यूचुअल फंड्स क्या अलॉट करके चलता है, यूनिट्स को अलॉट करके चलता है। क्या वो आपको एनएबी अलॉट करके चलता है, नहीं। क्या ये म्यूचुअल फंड को पता होता है कि उस समय पर कि एनएबी क्या चल रही है, आपका जवाब होगा हाँ। क्या ये एनएबी हमेशा वेरी करती रहती है, जवाब होगा बिल्कुल हाँ, कि ये एनएबी की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। इस एनएबी की वैल्यूज को क्या चेक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कहाँ कहाँ चेक किया जा सकता है, देखिए म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है, एमफी की वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है, आपके अकाउंट के अंदर अगर आपने इसको परचेज कर रखा है तो ये एनएवीज रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, यहाँ पर इनको चेक किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में नेट एसेट वैल्यू और यूनिट्स निकल कर आती हैं। अब देखिए एक चीज निकल कर आती है फेस वैल्यू, लॉजिक को समझ के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज निकल कर आती है फेस वैल्यू और एक चीज निकल कर आती है मार्केट वैल्यू। अब आप इतना तो जान ही चुके हो कि मार्केट वैल्यू का मतलब है कि मार्केट उस चीज को क्या वैल्यू देके चल रहा है, तो इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और जब बारी आती है फेस वैल्यू की, तो ये फेस वैल्यू जनरली 10 रुपीज होती है, तो जनरली इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10। ये फेस वैल्यू अपने आप में एक तरीके का अकाउंटिंग टर्म है, ये दिखाने के लिए कि भाई इस शेयर की ये फेस वैल्यू कितनी है आपके पास में, 10 रुपए है। जब कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, अब फेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट कहां पर होती है, जब कभी भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करके चलती है कंपनी, तो डिविडेंड हमेशा डिक्लेयर किया जाता है ऑन किसके ऊपर, ये हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है, ऑन फेस वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू वैरी कर सकती है, फेस वैल्यू वैरी नहीं करती। तो फेस वैल्यू क्या होती है, देखो नाम से फेस है तो आपने कह दिया ये क्या होती है आपके पास में, फिक्स है। मार्केट वैल्यू क्या है आपके पास में, जब कभी भी आप किसी चीज को या तो सेल करते हो या आप उसको परचेज करते हो, तो जब आप सेल करते हो तो जो पैसा आप रिसीव करोगे, और जब आप परचेज करते हो तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उस पैसे की जो वैल्यू है, ये कहलाती है आपके पास मार्केट वैल्यू। और फेस वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जब कभी भी कंपनी आपको अपने प्रॉफिट्स में से कुछ शेयर देकर चलेगी, तो ये जो डिविडेंड आपको डिक्लेयर करके चलती है, आप इसको बोलते हो फिक्स वैल्यू या फेस वैल्यू, आप इसको बोल के चलते हो। तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होइएगा, यूनिट में और नेसेट एनएवी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको एनएवी नहीं दी जाती, आप एनएवी में परचेज करते हो यूनिट्स को, म्यूचुअल फंड्स आपको देके चलता है यूनिट्स, यूनिट्स की वैल्यूज वेरी करती है, एनएवी बन जाती है। फेस वैल्यू फिक्स होती है, जब कभी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा और डिविडेंड आपको प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। डिविडेंड कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको दिया जाना है, डिविडेंड आपको प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। क्यों, क्योंकि आप इस स्कीम के शेयर होल्डर हो, इस स्कीम के अंदर पैसा आपका भी उतना ही लगा हुआ है जितना किसी और का भी लगा हुआ है, मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका भी पैसा, उतना ही इंपॉर्टेंट है दूसरे का भी पैसा। वैल्यूज आप लोगों की अलग अलग है, आप लोगों पे नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग है, इसकी वजह से आपके पास फेस वैल्यूज डिफरेंट है और आपके पास डिविडेंड अलग अलग आता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर उसके बाद हमारे पास जो जनरली वैल्यू निकल के आती है कि भाई यूनिट की क्या कैपिटल होती है। तो देखिए यूनिट कैपिटल जिस समय पर आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, भाई आपने क्या करा, इस पैसे को आपने जो इन्वेस्ट किया, आपने इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप इसके बदले में आपको जो यूनिट्स निकल कराए, नंबर ऑफ यूनिट्स जो निकल कराए, आप उस समय पर कह सकते हो कि ये मेरी एक तरीके की यूनिट कैपिटल है, यानी मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इसे ऐसे भी समझ के चलो कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए गए, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लेके म्यूचुअल फंड के पास गए, और म्यूचुअल फंड ने इसके में आपको क्या दिया, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे दी, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स किसी वैल्यू पर दी, तो जिस समय पर ये वैल्यूज पर आपको दी गई, इनको नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, ये आपकी यूनिट कैपिटल भी कहलाएगी इन्वेस्टमेंट में। देखिए अगली चीज आती है आपके पास में रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए रिकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, लॉजिक के साथ समझिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यार इतना तो आप लोग भी जानते हो कि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स को परचेज करते हैं और स्टॉक्स को आपके पास में सेल करते हैं। स्टॉक्स को सेल करने के लिए, स्टॉक्स को परचेज करने के लिए, किसी मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए एक ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, एक स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो इन सब के कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। अब ये खर्चे वेरी करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। कई बार ये खर्चे ज्यादा होंगे तो कई बार ये खर्चे क्या होंगे, कम होंगे। अब सेबी इस चीज के ऊपर ना बड़ी लगाम कस के रखता है कि मतलब कि म्यूचुअल फंड्स अपनी वैल्यू खर्चों को कम तो कर सकते हैं, पर अपने खर्चों को एक डेफिनेट वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते।
तो उसके लिए मतलब म्यूचुअल फंड को ये सलाह दिया थी कि आप अपनी मतलब इसे तभी लॉन्च करके चलेंगे, आप इसका साइज इतना ही रख कर चलेंगे कि आपके जो खर्चे हैं एक वैल्यू का पता, एक वैल्यू के इतने परसेंट से ज़्यादा क्रॉस नहीं करने चाहिए। अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, इसको कहा जाता है कि आपके अंडर जो एसेट्स हैं, मतलब एसेट जिनको आप मैनेज करके चल रहे हो, तो ये कहलाते हैं आपके पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अब इस जो भी आप पैसा लगा कर चल रहे हो, इनसे आप किन्हीं एसेट्स को परचेज करते हो या एसेट्स को सेल करते हो, तो बेसिकली आप उन एसेट्स को मैनेज करके चल रहे हो, तो ये कहलाते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये किसके अंतर्गत आते हैं भाई? एयूएम किसके पास आएंगे भाई? ऑब्वियसली बात है किसी स्कीम के पास ही आएंगे भाई। कोई स्कीम जो आपके म्यूचुअल फंड हाउस ने आपके पास में लॉन्च की है, किसी स्कीम को म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया, तो म्यूचुअल फंड ने किसी स्कीम को लॉन्च किया तो उसने जिस एसेट्स को कंट्रोल करा, अभी एसेट्स बने किससे थे भाई? आपने इन्वेस्टर्स के एसेट्स थे, ये इन्वेस्टर्स के इस एसेट्स को संभाल कौन रहा था? म्यूचुअल फंड संभाल रहा था। तो इन्वेस्टर्स के इस एसेट को म्यूचुअल फंड संभाल कर चल रहा था, इसको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। और इन एसेट्स को संभालने के लिए जो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये आपके पास में कोई सम परसेंटेज ऑफ एयूएम को क्रॉस नहीं कर सकता, इसको क्रॉस नहीं कर सकता, कैन नॉट क्रॉस। तो आप लिख दोगे कैन नॉट क्रॉस कर सकता है एक एयूएम की किसी परसेंटेज को। और इसको कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करता है आपके पास में सेबी, कि भाई इससे ज्यादा आप इसको, इससे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट के इससे इतने परसेंट से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। ये डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? अब देखिए एक और टर्म होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये भी मैं ही आपको समझा सकता हूं, तो ये आपकी लॉजिकली क्लियर होगा। इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट, इसको कहते हैं मार्क टू मार्केट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मार्क टू मार्केट, इसको एमटीएम कहा जाता है। अब देखिए ये जो एमटीएम है, ये एमटीएम आपका प्रॉफिट भी दर्शाता है और ये एमटीएम आपका लॉस भी दर्शाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो किसी लड़की ने मार्केट के अंदर देखा कि यार मार्केट में, शेयर मार्केट में अच्छी इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स निकल कर आ सकते हैं, और उसने अपने पति से बोला कि पति एक काम करो, जाकर ना मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो। और पति ने क्या करा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाकर, भाई पति ने क्या करा, जाकर म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, म्यूचुअल फंड के अंदर जाकर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ आपके पास में? इस इन्वेस्टमेंट से उसको दिया गया, आपके पास में कुछ यूनिट्स दी गई, और यूनिट्स के मल्टीप्लाई में क्या हो गया आपके पास में? एनएवी हो गया। अब देखो ये आपके पास में एनएवी, आप जानते हो इंक्रीज भी होते हैं और एनएवी क्या होते हैं आपके पास में? डिक्रीज भी होते हैं। अब अगर आपके पास में ये एनएवी इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन एनएवी। भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन एनएवी। और अगर आपकी इंक्रीज होगी विद एनएवी के बढ़ने के साथ में, तो इससे आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप कहोगे इससे आपका प्रॉफिट शो होगा, पर क्या प्रॉफिट आपने बुक कर दिया? आपने कहा नहीं, बुक तो नहीं करा। तो ये प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर शो होगा कि इस समय पर आप अपनी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में इतने प्रॉफिट में चल रहे हो। तो ये आपको हमेशा आपकी जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट करते समय पर जो एनएपी थी, उसके रिस्पेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू चल रही है, उसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है या कितना नुकसान चल रहा है, ये बताकर चलता है। इसे बोलते हैं मार्क टू मार्केट। ये एमटीएम कहलाता है, एमटीएम बोलते हैं इसको, मार्क टू मार्केट बोलते हैं। तो आपका एमटीएम लॉस भी हो सकता है, एमटीएम प्रॉफिट भी हो सकता है। अब एमटीएम लॉस किस केस में होता है भी? अगर आपके पास में करंट एनएवी, अगर आपके पास में अभी की जो एनएवी है वो लेस होगी किससे आपके पास में? आपने जिस समय पर परचेज किया था, तो परचेजिंग एनएवी से अगर लेस होगी, तो परचेजिंग एनएवी से आपकी एनएवी अगर कम होगी, तब उस कंडीशन में आपके एसेट्स की जो वैल्यू है, आपके एसेट्स की या आपकी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, आपकी इन्वेस्टमेंट की जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू जो होगी अब इस कंडीशन में वो लेस होगी। किससे हो गए लेस होगी आपके पास में? आपकी प्रीवियस जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे। और ये प्रीवियस इन्वेस्टमेंट क्या है? यही आपकी ओरिजिनल
इन्वेस्टमेंट दी, तब उस कंडीशन में जो पैसा आपने लगाया था उससे कम पैसा आपको रिसीव होने के चांसेस हैं, तब इस कंडीशन में आपका जो एमटीएम है वो आपको लॉस रिप्रेजेंट कर कर चलेगा। अब देखो एक बड़ी सी चीज निकल के आती है कि क्या हम इन जगहों पर, मतलब इससे बचने का हमारे पास में क्या तरीका होता है। तो देखो आप यहाँ पर बताते हो कि जब आप कभी किसी जगह पर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आपने क्लाइंट्स को बताकर चलते हो, और मैं कहूँगा मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखो आप अपने क्लाइंट को बताओगे कि अगर आप सिप करके चलते हो, तो जब आप सिप करके चलते हो तब आप परचेज करके चलते हो यूनिट्स को एट डिफरेंट एनएवी। तो आप परचेज करके चलते हो यूनिट्स को एट डिफरेंट एनएवी। एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। देखो सपोज करके चलो आपने 10 यूनिट्स को परचेज करा 100 रुपये में, जिस समय उनकी एनएवी चल रही थी 100 रुपये, और ये हैं आपके पास में यूनिट्स, और उसकी वजह से आपकी मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट है, तो आपके 1,000 रुपये खर्च हो गए थे। अब आपने अगली सिप के अंदर फिर से 10 यूनिट की आपने सिप लगाई कि अगली बार देखते हैं कि सिप 10 यूनिट कितने की आएंगी। अगली बार ये जो सिप मिली आपके उसमें रेट घट गया था 90 रुपये, आप ऑलरेडी लॉस के अंदर चल रहे थे, और अब आपके पास में लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो गई, 900 रुपये की हो गई। अगली बार में यही जो थी आपके पास, ध्यान से समझिएगा, ये चीज आपके पास में निकल कर आती है 80 रुपये इसका भाव चल रहा था, और ये हो जाती है आपके पास में 800 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब आपने 3 महीने जब भी आपने इसको करा, अब लॉजिक समझ के सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता के चल रहा हूँ, कि जिस समय पर आपने इसको ऑब्जर्व किया, तो एक बार 100 रुपये पर खरीदा, एक बार 90 पे, एक बार 80 रुपये पर, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अभी मार्केट में हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 2700 हो चुकी है। अब 2700 में आपके पास में कितनी यूनिट्स आपके पास आ चुकी हैं, तो 2700 में आपके पास में 30 यूनिट्स आ चुकी हैं, तो 2700 रुपये में आपकी 30 यूनिट्स आ चुकी हैं। अब इस केस में आपका जो एवरेज भाव निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, 90 रुपये निकल कर आ रहा है, 90 रुपये पर यूनिट आपका भाव निकल कर आ रहा है, जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। तो जब आप इसे सिप करके चलते हो, तो गिरती मार्केट में भी, ध्यान समझिएगा, तो गिरती मार्केट में आपका जो भाव है वो एवरेज हो जाता है। तो 90 रुपये पर यूनिट भाव निकल कर आया, और अब आपके पास में 30 यूनिट्स आपने इकट्ठी कर ली। जब आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते, तो आपके पास में एक बंदा 30 यूनिट एक साथ खरीदता, तो वो 3,000 रुपये खरीदता, लेकिन उसने थोड़ी समझदारी करी और धीरे धीरे करके आपके पास में नंबर ऑफ यूनिट्स को इकट्ठा किया, और उसने इसको 90 रुपये में एवरेज भाव पर इसको खरीद लिया। अब इन केस में ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास में एनएवी, अगर एनएवी हो जाती है आपके पास 95 हो जाती है, 95 रुपीज हो जाती है, तो अगर एनएवी 95 रुपीज हो जाती है, तब उस केस में इसकी जो 30 आपके पास में यूनिट्स हैं, इसको अगर आप 95 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये देगा आपको 0.35 से देगा 15, और 39 से देगा आपको 27, और ये हो गया 28, तो 2850 दिखाई देगा। आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2700, आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 2850। तो आपका जो एमटीएम है आपकी केवल इसी स्कीम की अंदर सिप करने की वजह से कितने की हो गई, ये एमटीएम आपको 150 रुपये पॉजिटिव दिखाएगा। अब आप बताओ आपका खून बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और यहां पर अगर आपने 100 रुपये पर परचेस कर लिया होती 30 के 30 यूनिट, और ये वापस अगर 95 पे आया था, तब भी आपका एमटीएम नेगेटिव ही आपको दिखाता। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत तो 2850 ही रहती, आपका एमटीएम 150 रुपये नेगेटिव दिखता। तो जब आप इसे सिप के अंदर इकट्ठा करके चलते हो, तब उस कंडीशन में आपका एमटीएम पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आपने जिन यूनिट्स को एक्वायर करा वो आपने एक एवरेज भाव पर एक्वायर करा। तो ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आपने अपनी समझ के लिए, और अपने जब आप अपने आने वाले वक्त में अपने क्लाइंट्स को समझाओगे, उनके भी समझ में आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? अब देखिए थोड़ा आगे के चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि जब हम इतने समझदार हैं, तब क्या उस कंडीशन में हम लोग कैन बी इन्वेस्ट डायरेक्टली, क्या हम लोग डायरेक्टली भी मार्केट में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो देखो बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में हमारे को म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करने से क्यों फायदा रहता है? कैन बी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली? तो आपका आंसर होगा यस, ओनली इफ वी कैन बीट, अगर हम लोग बीट कर सकते हैं इन फॉलोइंग चीजों को। अब यहीं से आपका ना असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यहीं से आपका क्लाइंट अब आपको समझदार मानना शुरू करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर आप इनको फॉलो कर सकते, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, जब आप किसी म्यूचुअल फंड के पास जाते हो, तो
तो देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ बार बार आपको इस वीडियो में हर जगह समझा के चलता हूँ कि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मैं आपको किसी जगह पर म्यूचुअल फंड खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको मार्केट को समझने के मेरे तरीके को आपको समझा के चल रहा हूँ जहां से आप शुरुआत कर सको। तो देखो अगर आप देखिए तो म्यूचुअल फंड हमारे को प्रोवाइड करके चलते हैं सबसे पहली बात तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो आप अपने आप से सवाल ये पूछो कि क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोफेशनली मैनेज कर सकते हो, तो ये बात निकल जाती है कि म्यूचुअल फंड्स हमारे को प्रोवाइड करके चलते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब दूसरी चीज है हमारे पास में म्यूचुअल फंड हमारे को पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी देके चलते हैं। एक मिनट दीजिएगा, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ठीक कर देते हैं। देखिए ये हमारे को पोर्टफोलियो में, ये हमारे को पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी सिखाता हूँ आपको, डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, ठीक है, एट अफोर्डेबल रेट, एट अफोर्डेबल रेट। देखिए डाइवर्सिफिकेशन तो कोई भी ग्रेट कर लेगा, पर एट अफोर्डेबल रेट, अफोर्डेबल रेट पर डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। तो देखिए पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन देते हैं हमारे को एट अफोर्डेबल रेट देके चलते हैं। कैसे देके चलते हैं समझाता हूँ। तो देखो जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड की बात करके चलते हो, सपोज करके चल रहे हैं कि आपने किसी एक स्टॉक को परचेज करा, ये ए स्टॉक अपने आप मार्केट में 2850 रुपए का चल रहा है, और अब आप 2850 रुपए के इस स्टॉक को परचेज करने के लिए जाओगे तो कम से कम एक स्टॉक तो आपको परचेज करना पड़ेगा, तो आपकी जेब में 2850 रुपए होने चाहिए। अब आपने इसके साथ में 20 स्टॉक को परचेज करा, ये जो 20 स्टॉक था आपके पास में 3000 का चल रहा था, तो आपके पास में अब 5000, देखिए 5000 से ऊपर मतलब 5850 रुपये होने चाहिए। आप 30 स्टॉक को परचेज करने के लिए गए तो ये तो और भी माशाल्लाह, ये 1200 रुपये का चल रहा था, और आप अगर 20 स्टॉक को परचेज करने के लिए गए तो सपोज करके चलते हैं ये आपके पास में 5100 रुपये का ये स्टॉक चल रहा था। तो जब आप इन 4 यूनिट्स को अगर आप परचेज करने जाओगे, अब देखो ये सपोज करो ये जो स्टॉक है आपके पास में ये किसी इंडस्ट्री का स्टॉक है, ये सपोज करके चल रहा हूँ किसी बैंक का स्टॉक है, ये सपोज करके चलता हूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी का स्टॉक है, और मैं ये मान के जाता हूँ आपके पास में ये क्या है किसी आईटी का स्टॉक है, मतलब किसी आईटी कंपनी का ये एक स्टॉक है। अब सपोज करो आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में मोटर कंपनी है मतलब काम कर सकती है, तो आप मोटर कंपनी के स्टॉक को देखने का 250 रुपए का आपके इसमें स्टॉक उसका था, ये किसी मोटर कंपनी का स्टॉक है। तो क्या होता है कि हो सकता है कभी आपके पास में इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आ रही हो और ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल सकता हो तो इसको आप परचेज करना चाहते थे, कभी हो सकता है आपके पास में बैंकों की बाढ़ आ गई और बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर भाग रहे हो, कभी हो सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऊपर भाग रहे हो, कोई ऐसी पॉलिसीज निकल कर आए, कभी ऐसा हो सकता है कि आईटी के स्टॉक्स बहुत तेज भाग रहे हो, और कभी ऐसा होता है मोटर के स्टॉक्स बहुत तेज भाग रहे हो, और कल को कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक और स्टॉक परचेज करने के लिए जाओ और आपके दिमाग में आए कि यार कोई फार्मा से रिलेटेड भी कोई स्टॉक परचेज करने हैं, तो फार्मा से रिलेटेड भी कोई स्टॉक आप परचेज करने के लिए गए, मान लो 2100 रुपए का आपके पास में ये स्टॉक आपको मिलता है, तो इन सारे स्टॉक्स को अगर आप परचेज करने के लिए जाओगे तो आप नहीं परचेज कर पाओगे। अब क्या होता है कि अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा और इसी चीज को अगर म्यूचुअल फंड परचेज कर ले तो क्या होगा, तो वो एग्जाम्पल है हमारा कि हम किसी जगह पर किसी लोकेलिटी में रहना चाहते थे, लेकिन उस लोकेलिटी में रहने के लिए, उस प्लॉट को खरीदने के लिए, उस पर मकान बनाने के लिए ना तो हमारे पास में एक्सपर्टीज थी, ना हमारे पास में इंफॉर्मेशन थी, ना हमारे पास में इतना टाइम था कि हम जाकर उस मकान को खरीद के, जगह खरीद के बना पाए और एक बढ़िया से बना के सब चीजें मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह सब कुछ समझ पाए। उससे अच्छा ये था कि हमने किसी बिल्डर से कॉन्टैक्ट किया जिसने एक सोसाइटी को डेवलप किया था, उस सोसाइटी के अंदर अफोर्डेबल रेट पर हम लोगों ने एक फ्लैट को परचेज कर लिया, उस पूरी बिल्डिंग पर हमारा उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का हक है, हमारे लिए पार्किंग भी है, हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं हैं और सब लोग आपस में यहाँ पर शेयर करके चले। एग्जैक्टली यही काम जो करता है आपके म्यूचुअल फंड करता है, म्यूचुअल फंड ने आप सभी लोगों से पैसा इकट्ठा किया, भाई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग आए हैं तो हो सकता है कि कोई 500 रुपये लेकर आएगा, कोई 700 रुपये लेकर आएगा, कोई 10,000 रुपए लेकर आएगा, हो सकता है कोई आपके पास में 1 लाख रुपए लेकर आएगा, ठीक है, और हो सकता है कोई 70 लाख रुपए लेकर आएगा। तो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट से जो पूल बनेगा उस पूल में, ये पूल जाकर डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में जाकर इन सबको एक साथ एक्वायर कर लेगा, ये रेशियो जाकर इसको क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा, इन सब चीजों को एक्वायर कर लेगा, और ये पूरी की पूरी चीज, ये जो पूरा का पूरा जो अमाउंट बनेगा किसी अलग अलग रेशियो, जैसे इसके सपोज करो 5, इसके 10, इसके 20, इसके 25, इसके 30, इसके 50 स्टॉक्स को एक्वायर किया गया, तो
तो उस कंडीशन में ये जो पूरा का पूरा आपके पास में एसेट की वैल्यू बनेगी, तो इसे कहते हैं आपकी नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, इसको आप एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM ऑफ म्यूचुअल फंड में देख सकते हो। म्यूचुअल फंड क्या करेगा, म्यूचुअल फंड आपसे इसकी कोई परसेंटेज परसेंटेज ऑफ AUM मैनेजमेंट के नाम से या रेकरिंग एक्सपेंस के नाम से इसके आपसे चार्ज करेगा, और इससे इससे जो भी प्रॉफिट होगा, अब इससे जो भी वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे, इससे वो जो भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे, इस प्रॉफिट को जनरेट करने के बाद ये पास ऑन कर देंगे, ये इसको पास ऑन कर देंगे। किसको पास ऑन कर देंगे, ये पास ऑन कर देंगे इन्वेस्टर्स को। तो एक आदमी केवल 500 रुपये लेकर आया था, उसने इन सारे स्टॉक्स को परचेज कर लिया कुल 500 रुपये में, एक आदमी 700 रुपये में सारे स्टॉक परचेज कर लिए, जबकि एक ही स्टॉक को अगर आप देख के चलोगे तो वो 500 रुपये से ज्यादा के स्टॉक्स हैं लगभग लगभग, और 10,000 रुपये में भी स्टॉक्स आ गए, 1 लाख वाले की भी इन्वेस्टमेंट है और 7 लाख वाले की भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो यहां से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ इन सब के पास में पास ऑन हो गया, और ये कैसे पास ऑन हुआ, ये पास ऑन हुआ आपके पास में जो भी यूनिट्स आपको दी गई थी उन यूनिट्स को आपने NAV से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी कभी आप इसे परचेज करोगे तो NAV पे परचेज कर रहे हो, या आप इसे इन्वेस्ट सेल करोगे तो NAV पर आप इसको सेल करके चल रहे हो। तो ये पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन आपको इसके अंदर मिल जाता है। टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरी चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए तीसरी चीज कहलाती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब देखो ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्या होता है कि जनरली क्या आप ही समझ के चलिएगा कि आप सपोज करके चलो आपने एक ऐसी मशीन खरीदी है जो प्रोडक्ट्स बना सकती है। तो क्या होता है कि आपके पास में जब आप कभी प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी मशीन को परचेज करते हो, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आप किसी मशीन को परचेज करते हो तो मशीन की जो कॉस्ट है, ध्यान समझिएगा, ये जो मशीन की जो कॉस्ट है, ये मशीन की कॉस्ट अपने आप में आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस है। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स, अब देखिए अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर दोगे, अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर दोगे, तो ये जो मशीन की कॉस्ट है, मतलब आपका ये जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आपका डिवाइड हो जाएगा, ये एक्सपेंस डिवाइड हो जाएगा किसमें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, और इससे क्या होगा आपके पास में कि आपका जो रनिंग एक्सपेंस है या जो आपका करंट एक्सपेंस है, या इसके पास में इसे आप कह सकते हो इकोनॉमीज जो स्केल है वो डाउन हो जाएगी। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, आपने एक होटल खोला और आपने उस होटल के अंदर नॉर्थ इंडियन खाना भी रख दिया, आपने वहां पर साउथ इंडियन खाना भी रखा, कुछ डिशेस आपने साउथ इंडियन भी रखी, कुछ डिशेस आपने नॉर्थ इंडियन रखी, कुछ डिशेस आपने चाइनीज भी रख दी, और कुछ आपके इसमें कॉन्टिनेंटल है, और इत्तेफाक से मतलब किस्मत से आपको एक ऐसा कुक मिल गया जिसे ये चारों चीज आती है, मतलब एक ऐसा कुक जिसे ये चारों चीज आती है, तो आपके पास में चार कुक के बराबर एक कुक ने, तो मतलब इस कुक की जो सैलरी थी, आप ध्यान समझिएगा, मतलब इस कुक की जो सैलरी थी वो डिवाइड हो गई किसमें, चार लोगों में, और आप चार तरीके की ऑडियंस को कैटर कर पाए। तो इसको कहते हैं आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये म्यूचुअल फंड ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैटर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास में केवल एक ही स्कीम नहीं होती, म्यूचुअल फंड में और भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो म्यूचुअल फंड के पास और भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जिसकी वजह से वो सेम ऑफिस को उन स्कीम्स को रन करने के लिए, सेम तरीके के मैनेजमेंट को स्कीम्स को रन करने के लिए, अपने बाकी के मतलब जो लेबर है उनके उसको यूज कर सकते हैं, मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है। अब चाहे इसके अंदर क्या क्या अब इनके एक्सपेंसेस में आते हैं, तो देखिए बेसिकली इनका ऑफिस का कोई एक्सपेंस हो गया, इनका रिसर्च का कोई एक्सपेंस है, बैंक्स के साथ में इनका कोई लेन देन है तो बैंकिंग का अगर कोई है, या फिर ब्रोकरेज हाउसेस के साथ इनका कोई लेन देन है तो ब्रोकरेज का। तो इससे क्या होता है कि इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इनके एक्सपेंसेस बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल जाती है। अब देखिए आप अगली चीज लेकर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। अब जनरली क्या होता है कि अगर आपने किसी एक ऐसे स्टॉक को परचेज कर लिया जिस स्टॉक के अंदर सर्किट्स लग रहे हैं, मतलब अपर सर्किट लग रहा है और आप उसको बाय नहीं कर पा रहे, अपर सर्किट का मतलब है कि आप उसे महंगे से महंगा खरीदने को तैयार है लेकिन लोग आपके पास में इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है कि कोई बेचने को राजी नहीं है, और उस केस में आप उसे खरीदने जाते तो खरीद नहीं पा रहे क्योंकि कोई बेच नहीं रहा। अब इन द सेम वे अगर आप किसी लोअर सर्किट में फंस गए, लोअर सर्किट का मतलब है कि आप किसी पोजिशन से बाहर निकलना चाहते हो, किसी स्टॉक को आप किसी बेचना चाहते हो लेकिन वहां पर ऑलरेडी इतने ज्यादा लोग बेचने के लिए आ गए कि आप उसे बेच ही नहीं पा रहे, तो ये क्या लिक्विडिटी का क्रंच है। इसे एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। लोग ये मान के चलते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह की जानी ज्यादा बेटर रहती है जिस जगह पर आप उसे जब चाहो बेच सकते हो। अब आप इसे जिसे जब चाहो बेच सकते हो वो जगह कैसी होगी? वो जगह ऐसी होगी जहां पर मकान आपके पास में कम होंगे। अब अगर आपने किसी सोसाइटी के अंदर फ्लैट ले लिया और आने वाले वक्त के अंदर आपने देखा कि यार उसके बराबर में बिल्कुल सेम वैसी लोकेशन में एक और सोसाइटी डेवलप हो गई है, तो लोग आपके पास में पुराने मकान को परचेज करना पसंद करेंगे महंगे रेट पर, या नए मकान को परचेज करना पड़ेंगे जो लगभग उसके उसी के आसपास के रेट पर उनको मिल रहा होगा या उससे थोड़ा सस्ता मिल रहा होगा। अब लॉजिकली आप अगर समझ के देखोगे तो बात ये निकल कर आती है कि ऐसी जगह पर जहां पर ऑलरेडी काफी सारे फ्लैट्स बनकर वहां पर लोग उसको बेचने के लिए ज्यादा राजी हैं, मतलब ज्यादा बेचे जा रहे हैं फ्लैट्स है, उस जगह पर जो डिमांड है वो थोड़ी सी कम होगी और आपका फ्लैट थोड़ा आसानी से नहीं बिक पाएगा। इसको कहते हैं लिक्विडिटी। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वो रहती है हमेशा प्रॉपर्टी के लिए लोकेशन। मतलब प्रॉपर्टी के लिए तीन चीजें मेन है, एक है लोकेशन और दूसरी है लोकेशन और तीसरी चीज है वो भी लोकेशन है। मैं कैसे ये भी आपको समझा देता हूँ। तो देखो लोकेशन कैसे होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो अप्रोचेबल लोकेशन कैसे होनी चाहिए आपके लिए, अफोर्डेबल, ठीक है, लोकेशन कैसे होनी चाहिए आपके पास में, अट्रैक्टिव, क्योंकि अट्रैक्टिव चीज अगर अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिलती है और इजीली सबके लिए अप्रोचेबल होती है तो तुरंत बिक जाती है। तो एग्जैक्टली सेम ये चीज आपके पास म्यूचुअल फंड्स के साथ में रहती है कि अगर मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड्स के पास में किसी यूनिट्स को परचेज किया, म्यूचुअल फंड्स ने आपके उस पैसे से अलग अलग स्टॉक्स को परचेज किया, आप जब भी कभी बेचना चाहोगे तो आप उन स्टॉक्स को नहीं बेचोगे, आप तो सिंपल उन यूनिट्स को जाकर किसी और को बेच दोगे। आप म्यूचुअल फंड्स को उस यूनिट्स को बेच दोगे या म्यूचुअल फंड के मतलब यूनिट्स अगर कहीं पर लिस्टेड है तो आप जाकर मार्केट में मतलब लिस्टेड मार्केट में जाकर आप उसको बेच दोगे। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अब देखो अब मैं अगली चीज समझाता हूँ आपके पास में कि लिक्विडिटी किस तरीके से। तो देखो सबसे पहली चीज होती है लिक्विडिटी के अंदर, एक होता है आपके पास में लॉक इन पीरियड। तो देखो क्या होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो क्लोज एंडेड होते हैं, अभी आपको मैंने समझाया भी है और आगे भी आपको समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स होती हैं कुछ होती हैं ओपन एंडेड और कुछ होती हैं क्लोज एंडेड। अब इसके अंदर क्लोज एंडेड का मतलब ये कि यार हमने, अब आप लॉजिकली समझना भाई, एक आदमी ने एक प्लॉट खरीदा और प्लॉट खरीदने का उसमें मकान बनाना शुरू करा, पांच उसके अंदर पार्टनर थे। अब जो चौथा पार्टनर वो आकर कहता है भैया मेरे पैसे मेरे को वापस करो, यार बड़ी बेइज्जती की बात है आपके पास में कि मतलब कि पांच लोगों ने मिलकर एक प्लॉट खरीदा और उसके ऊपर मकान बनाकर आने वाले वक्त में उसको बेचना चाहते थे, तो उनमें से एक आदमी निकल के बाहर आता है कहता है भैया मेरे को तो मेरे पैसे अभी के अभी वापस चाहिए, मेरे को मेरे पैसे वापस करो। प्लॉट बना नहीं है, मकान तैयार नहीं हुआ है और इस कंडीशन में आपसे कहा जाता है कि उसको अभी के अभी मेरे इस पैसे को वापस करो। अब उस कंडीशन में यार बाकी के लोग उस प्लॉट को जिस जो फ्लैट अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है उसको बेचेंगे कैसे, कहां से वो पैसा लेकर आया जाएगा? अब उसने क्या करा, जो पैसा उसको पे करना था बाकी का फर्दर उसने आपको देने से इनकार कर दिया, तो क्या वो बिल्डिंग बनी नहीं पाई। वो कहता है कि भैया मैं पैसे दूंगा नहीं आगे, और मैंने जो पैसे दे रखे थे मेरे वो बाकी पैसे मेरे को वापस करो। तो इस कंडीशन में मार्केट के अंदर ये चीज सफल नहीं हो पाते प्रोजेक्ट, तो उस कंडीशन में म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि आप अगर इसके अंदर, इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चलोगे तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी ब्लॉक हो जाएगी इतने वक्त के लिए। मतलब म्यूचुअल फंड इस पर्टिकुलर डेट को जाकर इस स्कीम को बंद कर देगा, इस डेट तक हम इसमें फंड्स लेंगे और फिर उसके बाद में ये फंड्स इतने वक्त के लिए लेंगे, इतने वक्त के अंदर हम इस फंड्स को डेवलप करेंगे और फिर उसके बाद हम जाकर आपके इसमें इस डेट में इसको क्लोज कर देंगे। अब इन्वेस्टर के पैसे तो फंस गए, अब इन्वेस्टर अगर पैसे निकालना चाहता है तो वो अपने पैसे कैसे निकालेगा? तो इसका बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई राइट्स ही तो है ना आपके, भाई आपके पास में राइट्स इतने तो आप एग्जैक्टली जो आपके सेम राइट्स हैं आप उसे किसी और को पास ऑन कर सकते हो।
जिसके पास में वो कागज होगा, भाई आपने एक म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी, आपने उसके अंदर पैसे लगाए, उनकी कोई वैल्यू चल रही होगी, उनके वो मार्केट को वैल्यू देके चल रहा है। आपकी वो जो यूनिट्स हैं, आपके वो जो कागज हैं, वो जाकर एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो जाते हैं। जब वो जाकर एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में लोग उसके भाव लगा रहे होते हैं, मतलब मार्केट उसके भाव लगा रहा होता है। क्योंकि इन यूनिट्स के अंदर ये, अगर आप ये समझ के चलो कि अगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इस म्यूचुअल फंड का जो मैनेजमेंट है वो जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स को संभाल रहा है, उससे ये इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन बाहर से पैसा लिया नहीं जा सकता। जितने इन्वेस्टर से पैसा लिया जाना था उतना पैसा लिया जा चुका है, अब कोई नया पैसा नहीं लिया जाएगा। हाँ, उनमें से कोई इन्वेस्टर अगर अपने यूनिट्स के ओनरशिप राइट्स को बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है। तो उसके लिए उसको कहाँ बेचने के लिए किसी मार्केट में जाना पड़ेगा, और वो मार्केट क्या होती है, वो एक्सचेंजेस होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपके ऐसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक्सचेंजेस हैं जहां पर ये सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं। तो लॉक इन पीरियड वाली जो सिक्योरिटीज होती हैं, इनको कंपलसरी लिस्ट किया जाता है। मतलब ये क्या होती हैं, ये आपकी कंपलसरी लिस्टेड होती हैं। क्योंकि ये कंपलसरी लिस्टेड होती है, इसलिए इनको आसानी से खरीदा और बेचा एक्सचेंज के थ्रू जा सकता है। इनकी मार्केट वैल्यूएशन चल रही थी, मार्केट को हमेशा पता होता है कि इसका सही भाव क्या है, तो मार्केट उनको भाव दे रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी, ये जो फैसिलिटीज हैं, मतलब ये जो यूनिट्स हैं, ये मार्केट में खरीदी और बेची जा रही होती है। तो लॉक इन पीरियड वाले जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे, उनकी जो यूनिट्स हैं वो कंपलसरी लिस्टेड होती हैं। तो यहाँ से एक लिक्विडिटी आपको मिल जाती है, आपका जब मन करा आप गए जाके एक्सचेंज पर, आपने बेच दिया, आपने आज बेचा, कल आपके अकाउंट में पैसे आ गए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। देखिए दूसरा वाले आपके पास में, कि अगर आपने नॉन लॉक इन पीरियड, मतलब जिसके अंदर लॉक इन नहीं है, ओपन एंडेड है, कभी भी आ जाओ, कभी भी निकाल लो पैसे, अरे साहब कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका मन करे पैसे बाहर निकालो, नॉन लॉक इन पीरियड। अब आपको अचानक से कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, तो नॉन लॉक इन वाले पीरियड है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी यूनिट्स को डायरेक्टली क्लोज करो और पैसा रिसीव करो। भाई पैसा क्या करोगे, जो एनएबी चली है उसी पैसे पे पैसा रिसीव करो, फ्रॉम कहां से, म्यूचुअल फंड से। आप अपना पैसा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से रिसीव करो, तो नॉन लॉक इन वाले। तो ये लिक्विडिटी की वजह से क्या होता है आपके पास में, कि जो लॉक इन पीरियड और नॉन लॉक इन पीरियड वाले आपके पास में, दोनों ही म्यूचुअल फंड से आप पैसा बड़े आराम से मार्केट से निकाल पाते हो। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको और अच्छा समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसका फोर्थ लेक्चर दूंगा, वो आपकी और आंखें खोल देगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।